जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आज बारिश का बहुत अच्छा मौसम हुआ है और सैटरडे के लगभग 12:30 बजे हैं। और ये देख शानदार मौसम बारिश का, ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है। और हम जो है आज बनाने वाले हैं क्या, चुड़कानी, भट की दाल। भट जो होता है उत्तराखंड में भी होता है, शायद और जगह भी होता होगा, काला भट। और इसकी दाल पावरफुल होती है, ये देखिए, और गर्म भी होती है। तो इसकी दाल बनाई जाए, और मौसम भी बहुत शानदार है। और हमारे जो है किचन का व्यू देखिए, ये शानदार व्यू किचन का, यहाँ से ये देखिए हमारे किचन से शानदार ग्रीनरी दिख रही है। और जो है मौसम बहुत शानदार हुआ है आज। तो ये हमारा किचन है और आज बनने वाली है भटकी चुड़कानी। उत्तराखंड वाले बहुत सारे जानते होंगे कि कैसे बनाई जाती है। और पहले क्या करते हैं उसको, पहले भट को भूनते हैं, पहले भट को भूनते हैं घी में तेल में। वैसे तो चट चट की आवाज आ जाती है ना, हाँ, थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाता है, निकाल देते हैं। तो ब्राउन होने के बाद उसको निकाल के फिर उसको क्या किया जाता है, भुना जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा आटा या बेसन, जो भी आपको टेस्ट में अच्छा लगता है उसको भूनते हैं। आटा या बेसन, बेसन सही रहता है वैसे आपको, जो बहुत लोग को आटा पसंद आता तो आटा डाल सकते हैं, हम तो बेसन डालते हैं, क्योंकि हमें बेसन पसंद है। और यहाँ से देखिए व्यूज, देखिए यहाँ से हमारे बालकनी का इधर दोनों साइड है, ये देखिए कढ़ाई बनाना पड़ेगा, वहाँ भी व्यूज बाहर का दिख रहा है। और ये किचन है हमारा यहाँ, शानदार। तो आज अच्छा मौसम हुआ है, जाएगा भटकी चुड़कानी। तो अब स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसे बनता है। जिन लोगों को पता है तो उनको बताते हैं। तो कुछ ज़्यादातर ये दाल बनाई जाती है ठंड के टाइम पर, क्योंकि गर्म होती है। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, तो इसलिए जो है आज इस दाल को बनाया जाएगा। लेकिन बताओ लोहे की कढ़ाई में बनती है। और ये लोहे की कढ़ाई में स्पेशल बनता है, इसका टेस्ट आता है बेसिकली लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि आयरन होता है इसमें। और है लोहे की कढ़ाई, और गाइस ये है कढ़ाई हमारी, लोहे की कढ़ाई। और इसमें हमने जो है तेल लग दिया है, तेल रखा है, घी रखा है, जिसमें आप बनाना, हम तो तेल में बनाते हैं, तेल में बनाते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करते हैं हम लोग। नहीं, ये सरसों का है। लेकिन ये सरसों का है, क्या बात है, मैं भूल भी जाता हूँ, क्योंकि मैं बनाता तो हूँ नहीं। किसे बना लो ऑलिव ऑयल तो ये मजा आएगा। गाइस ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल में जो है पीली सरसों का तेल है, पीली सरसों के तेल में बनाया जाएगा। साथ में देखो बारिश हो रही है, बहुत झमाझम, ये देखिए क्या खतरनाक बारिश हो रही है बाहर, ये आपको दिख रहा होगा व्यू यहाँ से बारिश का, ये देखिए। और गाइस ये थोड़ा देर जो है गर्म होगा, तेल जो है तेल थोड़ा सा गर्म होगा। गर्म होने के बाद जो है यहाँ पे रखा है भट को डाला जाएगा, ये देखिए दिखा दिया, ये भट इसको भूना जाएगा, भट बोलते हैं इसको पहाड़ी में, भट ये वो भी तो करी थी उस दिन। और भट के साथ ही हाँ भारती, जो सबको पता है। और यहाँ पर रखे प्याज, यहाँ पर रखा बेसन, चिमनी ऑन कर दिया है। और जो है तो सांस आने लगे, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद जो है इसमें डालेंगे हम भाट। हो गया, देखिए ऑयल आ रहा है, हाँ देखो थोड़ा सा गैस कम करते हैं, गैस हाँ। अब इसमें बट से कोई भूजा जाएगा, यहाँ से भूजते हैं बट को, जब तक इसमें चट चट की आवाज ना आ जाए। हाँ इसमें आ जाएगी, इसका मतलब ये भून गया है, ये कंपलसरी, अदरवाइज ही कच्चा रहेगा। और गाइस जो है ये भट ऐसा है कि इसको जो है जाड़ों में, जब ठंड का महीना चलता है दिसंबर में, बहुत ठंड हो जाती है पहाड़ों में, आपको पता है पहाड़ों में कितनी ठंड होती है। तो जब पहाड़ों में ठंड होती है तो इसको जो है थोड़ा सा घी या तेल में जो है तवे में भूज के लोग खाते भी हैं, तो उससे क्या होती है ठंड जो है कम हो जाती है, बॉडी में जो है बॉडी गर्म हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो लोग जो है पहाड़ों में ठंड में इसको यूज करते हैं, तवे में भूज के जो है इसको खाते हैं रात में, या जब भी जो है ज़्यादा ठंड हो जाती है।
तो ये एक एडिशनल वो है, इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। पहाड़ी लोगों को तो पता ही है, पहाड़ी लोग तो भट खाते ही हैं जब ज़्यादा ठंड हो जाती है में। ये हम भी मेले से ही लेके आए, कौतिक लगा था ना उत्तराखंड का, बट ये लोहे की कढ़ाई में ही बनाई, हम प्रेफर करेंगे है ना। तो आवाज़ सुनो, ये देखिए गाइस आवाज़ आ रही होगी, ये मतलब थोड़ा सा उबल रहा है, आप थोड़ी देर और रखेंगे। नहीं ये चटक रहा है ना, ये पक रहा है, भूल रहा है, थोड़ा देर और रखेंगे इसको, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना खाना बनाने की, तो भूनने की वजह उबल रहा है, भून दिया तो गलती से, बट ये भून रहे हैं हम लोग इसको। और इसको भूनने के बाद जो इसको निकाल देंगे, एक प्लेट या थाली में निकाल देंगे, गर्म रहेगा थाली काफ़ी, तो बेटर है कि जो है प्लास्टिक के बजाय मेटल के बर्तन यूज़ किए जाएँ गर्म चीज़ों के लिए। प्लास्टिक वैसे नहीं होगा, कांच या मेटल या कांच ग्लास, मेटल बढ़िया है। और इधर बारिश भी बहुत तेज अभी चल रही है, लगातार बारिश हो रही है, आज एक घंटे से बारिश हो रही है। ये देखिए गाइस शानदार व्यू यहाँ, और ये निकाल दिया है हमने भट्ट को जो है, भून गया है क्योंकि ब्राउनी भी हो गया है, देखिए ब्राउन जैसा लग रहा है, वो पकेगा इसमें वैसे और गाइस ये देखिए अब हम डाल रहे हैं इसमें बेसन, बेसन को भूनेंगे थोड़ा, बेसन को थोड़ा सा भूनेंगे, तेल वही यूज कर रहे हैं क्योंकि तेल काफी था, तो दोबारा तेल डालने की जरूरत नहीं है, पका हुआ भी है। और बेसन देखिए, बेसन की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं, कई लोग आटा यूज करते हैं जिनको आटा अच्छा लगता है, लेकिन हम जो है यहाँ पर बेसन यूज़ करेंगे क्योंकि हम जो है बेसन का यूज करते हैं जनरली। और हाँ थोड़ा साइड में लगा हुआ भाई, हाँ इसको आप पूरा जो है आपको खुशबू आने लगे जब तक बेसन की भूनने की, इसकी बेसन की खुशबू आएगी तब तक आपको इसको जो है भूनना है ताकि इससे कच्चापन निकल जाए। हाँ और गाइस ये देखिए ब्राउन हो गया है, तो अब हम निकाल रहे हैं इसको, साथ ही रख सकते हैं इसको भट के साथ, ये देखिए गाय। जब इसमें जो है दोबारा तेल डालना है, छौंकने के लिए प्याज व्याज छौंकने के लिए जो है दोबारा से तेल डाला जाएगा, और तेल कम यूज करना चाहिए वैसे खाने में, जितना कम ही डाला है वैसे थोड़ा सा, तो तेल को फिर जो है दोबारा गर्म करना है। और ये जो है भट्ट और वो बेसन जो है रेडी है, प्याज जो है रेडी है, खाना बनाने पहले रेडी करके रखो, नहीं तो कुछ जल्दी का करना है, खाना बनाने से पहले ये चीज़ें रेडी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा टाइम लगेगा उसमें। आप कितना हो जाएगा कल, तो मेरे तरह हो जाएगा, वो मैंने वीडियो डाला है कि तवा गर्म हो गया था और रोटी जो है वो बेल ली नहीं थी, तो फिर आँच कम करना पड़ा। ये बहुत सिंपल है वैसे, तो कुछ नहीं करना होता, कई लोग इसमें जीरा से छौंकते हैं, पहले जीरा से या फिर पहाड़े लोग वो यूज करते हैं, क्या बोलते हैं जकी, हाँ हरी सब्जी में जकी डालते हैं क्योंकि पहाड़ में जकी होता है, जकी का टेस्ट ही अलग होता है, किसी भी सब्जी में आप जकी डालोगे तो उसका टेस्ट ही अलग होगा, अरबी में हरी सब्जी का अलग ही आता है। हाँ तो अब यहाँ भी मिलने लगा है, अब वो यहाँ स्टोर में भी मिलने लगा है काफी सारे स्टोर में, जकिया आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, जकिया उत्तराखंड में जकिया बोलते हैं वो मिल जाएगा, ये उसमें क्या बोलते हैं इसका प्याज का कच्चापन चला जाता है। और गाइस ये देखिए प्याज जो है ये भुन गया है, ब्राउन हो गया है, और अब हम डाल देंगे इसमें बेसन और भट्ट डाल देंगे, भुना था इसको, थोड़े मसाले डालते हैं इसमें, थोड़े इसमें मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर,
नॉर्मल धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्ची तो हम कम खाते हैं बच्चे की वजह से, लाल मिर्ची, नमक इसमें अभी नहीं डालेंगे, नमक उबाल आने के बाद, हल्दी इसमें वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम थोड़ा सा कलर के लिए, कलर के लिए नहीं, हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए भी हल्दी अच्छी होती है, क्योंकि ऑलरेडी पका सिम करके करना है, अब इसमें और मसाले दो, गैस को सिम करना है, दो मिनट तक ये तो जल जाएगा, ये दो मिनट तक भूनना है बस, मसाले भून जाए क्योंकि ऑलरेडी आपका भुना हुआ है, सब कुछ भुना हुआ है, आप दो मिनट तक और फिर इसमें डाल देंगे पानी, जिससे जो है करी बनेगी, और पानी ज़्यादा ही पड़ता है, पानी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उबलेगा तो सूखेगा पानी, और उसका टेस्ट आएगा फिर दाल, रसमी टेस्ट होता है इसके तो चावल के साथ, करी में बहुत टेस्ट होता है, हम लोग तो दो ही लोग हैं, आप अपनी से पानी डाल सकते हैं ज़्यादा, हाँ अभी येलो लग रहा होगा, बट ये ब्लैक होगा इसका कलर, अब इसको उबलने देंगे, उसके बाद से नमक डालेंगे, उबलने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो गाइस ये है रेसिपी भटके चुड़कानी का, और अभी ये उबलेगा तो उसके बाद हम दिखाएंगे कि कैसे इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया है, और आप जो है ठंड में इस भटके चुड़कानी का मजा ले सकते हैं, तो मैं आगे दिखाऊंगा, आ सकते हैं खाने के लिए, हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे संडे मोस्ट वेलकम, जो लोगों को अच्छा लगता है भट वो मोस्ट वेलकम सैटरडे संडे, लेकिन ये कि ठंड में खाएं तो ज्यादा अच्छा, ठंड में खाएंगे भट तो उसका अलग ही मजा है, और इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा जैसे ही बनने वाला होगा। अब ये देखिए गाइस यहाँ पर जो है ये भट की चुड़कानी उबल गई है, तो ये देखो कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है इसका, पहले येलो था, अब जो है धीरे धीरे ब्लैक होगा, और उबलने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें डाल रहे नमक, आप जो नमक डालते हैं हमको सेंधा नमक, अब नमक डालते हैं हम लोग जो है सेंधा नमक यूज करते हैं हेल्थ के लिए, तो ये देखिए अभी उबलेगा धीरे धीरे जो है, उसके बाद ये कलर छोड़ेगा, कलर छोड़ेगा, फिर ये रेडी हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है राइस, इस समय थोड़ा गैस कम भी कर सकते हैं क्योंकि उबाला चुका है, थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा कम नहीं, मीडियम गैस को, अभी पकेगा अपना कलर इसका ब्लैक हो जाएगा, देखिए कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा पहले से, कलर देखिए थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, पहले येलो था, बहुत लोग हल्दी नहीं भी डालते, हमें हल्दी अच्छी लगती है, इसमें बात चलो बच रहे ठीक रहती है, आप बिना हल्दी के बना सकते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद और दिखाऊंगा जब ये बन जाएगा। ये देखिए गाइस और अब भट की चुड़कानी हो गई है रेडी, कलर देखिए, और कलर देखिए कलर चेंज हो गया है, और ये कलर होता है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाया है, आयरन होता है लोहे की कढ़ाई में बनाने से, और भट में भी खुद ही आयरन होता है, तो जिन लोगों का आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी है उनके लिए भट की चुड़कानी जो है सबसे बेहतरीन है, और गर्म भी होता है, तो आप लोग जो है भट की चुड़कानी बना सकते हैं, ये आजकल जो है स्टोर में भी मिलता है ये वाली दाल, और अब हम खाने की तैयारी होने वाली है, और उसके बाद जो है आपको दिखाया जाएगा कितना शानदार जो है इसका लंच आज रेडी किया है मैडम ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चुड़कानी बनाने के लिए। और गाइस जो है आप जो है भट की चुड़कानी रेडी हो गई है, और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, जैसे मटन आप यदि कढ़ाई में बनाओगे तो ब्लैक जैसे हो जाता है, ये देखिए शानदार। और आज जो है मौसम जो है ठंड का है, तो बहुत ही शानदार भट की चुड़कानी बनी है, और ये ऑफिस का भी काम शुरू होने वाला है, तो देखिए गाइस देखिए सलाद भी है, और ये बानू का, क्योंकि बानू बीज कम खाती है, तो वानों के उसमें जो है बीज का